हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम करेंगे कमोडिटीज़ की बात, लेंगे हम कमोडिटीज़ की मॉर्निंग अपडेट। आज आगे की रणनीति, आज की रणनीति रणनीति को डिस्कस करने से पहले हमने कल क्या रणनीति बनाई थी, क्या होल्ड है, क्या टारगेट अचीव हुआ, कहाँ पर हमने लॉस किया, कहाँ पर हमने प्रॉफिट किया, एक उसका ओवरव्यू कर लें, फिर आज की बात करते हैं। कल सिल्वर सेल करने कहा था 150 से 46, 150 से 200। इनफैक्ट मैं पिछले 8 दिनों से आप लोगों को, 8-10 दिनों से आप लोगों को सिल्वर में सिर्फ कह रहा हूँ कि हायर रेंज में सेल करिए, हायर रेंज में सेल करिए। और आज देखिए बाजार का भाव 45,575 अभी चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वहाँ पर भरपूर पैसा कमाया होगा, एटलीस्ट गंवाया नहीं होगा। चाहे आपने 10,000 रुपये कमाया हो, चाहे आपने 15,000 रुपये कमाया हो, लेकिन आप बने हुए थे ट्रेंड में। क्रूड में हमने पिछले 2 दिनों से एक भी सौदा एग्जीक्यूट नहीं किया है, क्योंकि दिमाग और दिल दोनों एक जगह पे नहीं है। जब तक ये दोनों एक जगह पे नहीं रहता है, तब तक ना ही मैं कोई आप लोगों को सजेशन पहुंचाता हूं और ना ही आप लोगों को कोई एग्जीक्यूशन करने के लिए कहता हूं। बने रहना है, शांति से होता रहेगा फ़ायदा। नेचुरल गैस में भी हमारा कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। गोल्ड को भी आप लोगों को सेल करने कह रहा था मैं काफ़ी टाइम से, 40,550 से 650-700 तक की रेंज में आप लोगों को बार बार सिर्फ सेल ही करने कह रहा था। और आज देखिए बाजार 40,350, यानी वहाँ से बाजार ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुका है। तो आशा करता हूँ गोल्ड में आप लोगों ने 15-20 हज़ार रुपये, सिल्वर में आपने 10-12 हज़ार रुपये, यानी 30-35 हज़ार रुपये तो कमा के बैठे होंगे, चाहे क्रूड में सौदा हुआ हो या ना हुआ हो, नेचुरल गैस में सौदा हुआ हो या ना हुआ हो। एक हमारे पास कॉपर होल्ड है, कल मैंने आप लोगों को 434 तक सेल करने कहा था, 435-10 का स्टॉप लॉस में, 436-10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने कहा था, और अभी चल रहा है 434-35, यानी 35 पैसे की बढ़त बना के ये ट्रेड कर रहा है। अब बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज क्या करना है, आज के क्या सपोर्ट होंगे, क्या लेवल्स होंगे, कहाँ पर, कहाँ से बाजार में पोजिशन बनाई जा सकती है, कहाँ पर पोजिशन का प्रॉफिट लिया जा सकता है। बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ क्रूड की। क्रूड अभी चल रहा है 3610, क्रूड के रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं 3622, 3657, 3683। आज क्रूड का इन्वेंट्री डेटा भी शेड्यूल है 9 बजे के आसपास, तो और थोड़ा सा इंतज़ार, ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड होता है। यानी कि ये हुनर जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोग वेट करें, वॉच करें और सही लेवल पर ही एग्जीक्यूशन करें, ना कि कूद कूद कर बाय सेल करें। तो ये भी एक ट्रेड होता है, आप लोग ये सीख रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग जो मुझे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, वो अननेसेसरी इधर कूद के उधर कूद के सौदा नहीं कर रहे हैं। क्रूड के रजिस्टेंस 3622, 3657, 3683, सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 3582, 3535 और 3428। भयंकर बड़ी रैली खा चुके हैं, यानी नीचे से जब ऊपर चल रहा था वो 4100 से 4700 तक की, 45 से 3600 तक की, यानी कि ऑलमोस्ट नीचे के बाजू 1,000 रुपये और ऊपर के बाजू 500 रुपये, 1500 रुपये की रैली में आप लोग कहीं फंसे नहीं हैं। बहुत लोग जो मुझे नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रूड में लड्डू लेके बैठे हुए हैं, और एक एक लड्डू का एक एक दाना एक एक दिन के बराबर होता है, बेचारे खा रहे हैं और खाते ही रहेंगे लगता है आगे। अब क्रूड में आज क्या करना है, क्रूड आप लोगों को अगर अभी तो इन्वेंट्री डेटा शेड्यूल है रात में, तो हायर लेवल में अगर आप लोगों को 3655, 3665 के आसपास मिले, तो 3686 के स्टॉप लॉस से सेल करेंगे, और टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं, अभी इस लेवल पे कुछ लगता नहीं है कि आप लोगों का एग्जीक्यूशन हो पाएगा। बिड लगा के रखिए, कोई धक्का मुक्की में कोई न्यूज़ की वजह से माल बिक गया तो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट के लिए बने रहिए। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अब आ रही है हमारी रडार में। नेचुरल गैस अभी चल रही है 128.50, 128.50 रुपये। जब मुझे एक्चुअली कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, मैं इंग्लिश में फिगर्स बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलो। अभी मैं दो दो फिगर बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और आप लोग को तो पेशेंस है नहीं, पूरे दिन के 24 घंटे 17-18 घंटे की मेहनत करके ये फिगर्स निकालते हैं, और ये फिगर्स को आप लोग तो ऐसे फटाफट देखते हैं। खैर, रेजिस्टेंस निकल के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 125.80, 125.80, 124.30, 124.30 नेचुरल गैस।
रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 129.90, 129.90, 130.60, 130.60, 132, 132 रुपये। अगर आप लोगों को 130, 130.50 के आसपास मिले तो इसमें सेल पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 132.10 का जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि अब 132.10 काट दिया इसने तो हो सकता है ये बॉटम आउट हो गया हो। मैं हमेशा से कहता हूँ, महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, लेकिन रहेंगे ट्रेंड में। तो 130, 130.50 के बीच में सेल करिए, 132 का स्टॉप लॉस, 132.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल दिए हैं। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अभी चल रहा है 43.50, मस्त पैसा बना के बैठे हो रात में। 4500, 550 तक सेल करे होंगे रात में ही, बाजार आप लोगों को 300 रुपये तक आ गया था और अभी 355 रुपये चल रहा है। बढ़िया 20-25 हज़ार रुपये बना के बैठे हैं। अभी मेरी तरफ से इसमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बता दे रहा हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूशन करने इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये बाजार अभी भी प्रॉफिट लो भागो, प्रॉफिट लो भागो, सुबह मंदा रात में तेज, रात में तेज सुबह मंदा, इस टाइप से ही चलता दिख रहा है। गोल्ड के रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, अभी चल रहा है 43.50, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 43.91, 44.75, 45.20, यानी 40,391, 40,475, 40,520। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 40,438 का। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 40,270, 40,270, 41.48, 40,148। अगर आप लोगों को ये, मैं ट्रेड कोई रिकमेंडेशन शीट में नहीं लूँगा, 40,380 चलिए ले लूँगा, इवनिंग तक की तो बात है, इवनिंग में मैं वापस से आप लोगों को फ्रेश लेवल्स दे दूंगा, फ्रेश रिकमेंडेशंस हो जाएंगी, तब तक देखिए अगर ये हो जाए तो करिए। 40,380, 40,390 तक सेल करिए, 40,521 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और टारगेट जो मैंने सपोर्ट बताए हैं 42.70, 41.48 तक के। बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करते हैं सिल्वर की। अभी गोल्ड का लो क्या है, गोल्ड का लो है 339 का और हाई है 438 का, तो ऑलमोस्ट अपने डिस्कस किए हुए लेवल के बीच में खड़ा हुआ है बाजार। सिल्वर, सिल्वर अभी चल रही है 45,555, इसका हाई पोस्ट हुआ है 45,695, लो पोस्ट हुआ है 45,515। इसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 45,750, 45,960, 46,250। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 45,390, 45,090, 44,555। ये मेरे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। से आप लोगों को ध्यान होगा, मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से पोजिशनल ट्रेड दे रहा था ऑल टाइम फोर के लिए, 44,800 और ऑल टाइम फोर के लिए, और आप लोगों को कह रहा था जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं वो 46,751 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। वो स्टॉप लॉस हुआ नहीं अभी तक, खैर मैं उस कॉल को अभी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर आज 45,725 से 900 तक की रेंज में मिले, यानी 45,725 से 900 रुपये तक की रेंज, बड़ी है रेंज, कामकाज करने का मूड हो तो करिए, रिस्क मेंटेन, रिस्क रिस्क इतना ले सकते हैं तो करिए, नहीं तो अवॉइड करिए। 46,251 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट जो मैंने आपको सपोर्ट दिए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं बोलता हूँ आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोगों को वो याद रहें। कॉपर, कॉपर अब बात करता हूँ कॉपर की। कॉपर अभी चल रही है 43,380, 43,380 हो गया, चलो हमारे कॉस्ट के नीचे आ गया है। 436, 439.90 तक के रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट 432.10, 430.55, 428.80। जो हमारा सेल पोजीशन है 434 की रेंज का, वो 432.10 के आसपास एक बार मुनाफा ले लीजिए, और अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो नीचे दूसरा सपोर्ट और तीसरे सपोर्ट में मुनाफा बुक कर सकते हैं। फ्रेश रणनीति 434.50 और 435.50 के आसपास सेल करना है, 436.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कल मैंने आप लोगों को 436.10 कहा था, अब उस स्टॉप लॉस को 436.60 कर लीजिए और बने रहिए फ्रेश ट्रेडर्स बताए हुए सपोर्ट्स के लिए। अगर कोई टारगेट अचीव हो जाते हैं और बाद में बाजार सेलिंग रेंज में आता है तो वो ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना होता है। तो आप लोग के पास अब क्रूड के लिए, नेचुरल गैस के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और कॉपर, कॉपर के लिए आप लोगों के पास लेवल्स हैं। अब मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ INR, INR आप लोगों को कल मैंने कहा था सेल करने के लिए 71.40 के आसपास और 71.25 तक का टारगेट बोल रहा था। आज इसका लो पोस्ट हुआ है 71.29,
अगर आप लोगों को 71, मुझे ऐसा 7160 के ऊपर नहीं लगता है ओवरऑल, 7140-45 के रेंज में मिले, 7160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट 7120 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सकें मुनाफा। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पर, जहाँ मैं डिस्कस करता हूँ लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।